मैं अशोक शर्मा लेक्चर आर एसी राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज हम करेंगे पर्ट प्रोग्राम एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। पर्ट इज यूज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम और न्यूअर प्रोग्राम नॉट रिपीटेटिव प्रोग्राम्स के लिए पर्ट काम में लिया। हमने सीपीएम और पर्ट का जो रेफरेंस किया था उसे बता दें पर्ट यूज करते हम जहां पे हमको एक्टिविटी का एग्जैक्ट ड्यूरेशन पता नहीं होता है। सीपीएम के अंदर हमको एक्टिविटी का ड्यूरेशन एग्जैक्टली पता होता है, ये एक्टिविटी कितने समय में पूरी हो जाएगी, जबकि पर्ट के अंदर हमें एग्जैक्ट टाइम पता नहीं होता है कि एक्टिविटी कितने समय में होगी। तो ये क्या है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक है, जबकि सीपीएम डिटरमिनिस्टिक, क्योंकि उसमें निश्चित रूप से हमको पता रहता है कि एक्टिविटी कितने समय के अंदर पूरा हो रही है। तो ये प्रोबेबिलिस्टिक होती है। इसके अंदर हम थ्री तीन जो टाइम एस्टीमेट लेते हैं काम में, पेसिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली। तो पेसिमिस्टिक टाइम बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन हम मानते हुए, निराशावादी शब्द जिसको हम सब बोलते हैं लेते हैं, उसको हम टीपी से डिनोट करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक जिसके अंदर हम बहुत आशावादी हो कि भाई प्रोजेक्ट बहुत जल्दी जल्दी कोई भी एक्टिविटी है हमारे फेवरेबल कंडीशन हम मानते हुए कि भाई सारी कंडीशन हमारे फेवरेबल है, तो उसमें जो टाइम लगेगा वो हम ऑप्टिमिस्टिक टाइम। और एक होता है टाइम मोस्ट लाइकली, जो एक एवरेज टाइम हो सकता है इतने समय में हो जाएगा। एक्सपेक्टेड टाइम जो है इसको हम लेते हैं टीएम, मोस्ट लाइकली। तो तीन टाइम एस्टिमेट इसके अंदर हम पर्ट के अंदर लेते हैं। ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, पर्ट का जो टाइम एस्टिमेशन है ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो ये एक्टिविटी है, इसमें आपके तीन टाइम डी होते हैं, टीपी, टीओ और टीएम। नेचुरली टीपी सबसे ज्यादा होता है, उससे कम टी टीओ और ये टीएम, और सबसे सबसे ज्यादा टाइम तो कौन सा लगेगा जिसमें टीपी, टीपी सबसे ज्यादा टाइम है। उसके बाद में ऑप्टिमिस्ट, ये मोस्ट लाइकली टाइम टीएम, और सबसे कम टाइम ऑप्टिमिस्टिक। तो तीन तरह का टाइम एस्टिमेट होता है, ये टाइम एस्टिमेट बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो ये तीन टाइम एस्टिमेट को हम एक टाइम टीआईजे में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मीन टाइम ऑफ पर्ट के अंदर। और इसका फॉर्मूला है टी जीरो फोर टी एम प्लस टीपी अपॉन सिक्स, ये निकाल लेते हैं। तीन टाइम एस्टिमेट ये होते हैं, तो उसका हम टीआईजे निकाल लेंगे। टीआईजे एग्जैक्ट टाइम नहीं निकलेगा, टीआईजे भी मीन टाइम ही निकलता है। ये एग्जैक्ट टाइम कभी नहीं होगा इसके अंदर, ये मीन टाइम ही होता है। तो ये जब भी हमारे पास पर्ट की कोई कॉलम होगी तो हमारे पास तीन टाइम एस्टिमेट दिए होंगे, उसको हम एक टाइम एस्टिमेट में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे एक टाइम में जैसे हमने टीपी टीओ टीएम दिया हुआ है, उसके बाद टीआईजे हमने निकाल लिया, तो ये सेम एक्टिविटी वन से टू टीआईजे, ये प्रॉब्लम हमारी अब कन्वर्ट हो जाएगी पर्ट की तरह, एक ही टाइम एस्टिमेट आ जाएगा, तो पर्ट की प्रॉब्लम बन जाएगी। अब चूंकि ये टाइम एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, ये मीन टाइम रहता है, कोई भी प्रोजेक्ट एक्टिविटी इस टाइम में पूरी नहीं होगी, इस टाइम में पहले भी पूरी हो सकती है और बाद में भी पूरी होती है, इसका मतलब इसमें डेविएशन होगा। तो डेविएशन होता है टीपी माइनस टीओ अपॉन सिक्स। डेविएशन क्या होता है, जब इस एक्टिविटी को हमने टीआईजे में कन्वर्ट कर लिया तो ये प्रॉब्लम एज इट इज हो जाएगी। डिफरेंस क्या रहेगा कि टीआईजी भी एग्जैक्ट टाइम ही मीन टाइम है, तो इसमें डेविएशन रहेगा, तो डेविएशन का फॉर्मूला होता है टीपी माइनस टीओ, यानी कि पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम अपॉन सिक्स। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी पर्ट के अंदर हमको सॉल्व करना होगा तो ये इससे डेविएशन निकलेगा। और क्रिटिकल पाथ का जब आपको सीपी सीपी डेविएशन निकालना है तो सिग्मा वन स्क्वायर, सिग्मा टू स्क्वायर और सिग्मा थ्री का स्क्वायर, इस तरह से आपको क्रिटिकल पाथ का डेविएशन निकलेगा। मतलब जब भी हम ये निकाल लेंगे एक टाइम एस्टिमेट आ जाएगी,
तो प्रॉब्लम हमारी सीपीएम की तरह कन्वर्ट हो जाएगी। डिफरेंस ये रहेगा कि जो टाइम हम निकालेंगे एग्जैक्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन निकलेगा क्रिटिकल पाथ बिल्कुल सेम उसी तरह से निकलेगा जैसे सीपीएम में हमने निकाला। लेकिन क्रिटिकल पाथ निकलने के बाद में जो आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकल के आता है वो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एग्जैक्ट नहीं होता, उससे पहले भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है और उसके बाद में भी, क्योंकि इसमें वेरिएशन आता है। तो ये जो वेरियंस जो क्रिटिकल पाथ का होता है वेरियंस ऑफ डेविएशन डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ का फॉर्मूला होता है सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर, जितनी भी एक्टिविटीज है उनको हम जोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से हम उसका डेविएशन निकाल लेते हैं। डेविएशन निकालने के बाद में हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि इस प्रोजेक्ट के इतने दिन में पूरा होने का प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसको हम एक प्रॉब्लम लेके सॉल्व करेंगे कि किस तरह से पार्ट के अंदर हम टाइम एस्टीमेट को कन्वर्ट करते हैं और कैसे डेविएशन निकालते हैं, ये अब एक एग्जांपल लेके करेंगे हम। इस तरह से पार्ट की प्रॉब्लम आएगी, सॉल्व द पार्ट फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो ये एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी दे रखी है, उनका तीनों टाइम एस्टीमेट आपको दिए हुए होंगे। हमको इसको करना है टी आई जे बोलते हैं या फिर TE कैपिटल TE एक्सपेक्टेड टाइम ये निकालेंगे। तो इसका TIJ का फॉर्मूला क्या है, T0 प्लस 4TM प्लस TP बटा 6। तो 4 दून 8 9 3 12 12 में 6 का भाग देंगे 2, इस तरह से 6 4 24 और 12 36 छ, 5 4 20 और 10 30, 30 में 6 का तो 5, इस तरह आप निकालोगे तो 7 4 5 6 और 3 ये टी आई जे निकाल लेंगे। टी आई जे में यहां पे लिख देता हूं, 1 2 के लिए 2, 1 3 के लिए 6, 1 4 के लिए 5, 2 2 5 के लिए 7, 3 5 के लिए 4, 5 6 के लिए 5, 4 7 के लिए 6, 6 7 के लिए 3। ये निकालने के बाद में हमारी प्रॉब्लम बन गई बिल्कुल पार्ट की तरह। तीन टाइम एस्टिमेट को सबसे पहले आप एक टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे जो जिसको हम जो मोस्ट लाइक एक्सपेक्टेड टाइम जो होगा उसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे। कहीं इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी इसको टी आई से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसके बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी सीपी क्रिटिकल पाथ मेथड की तरह, इसको हम सॉल्व करेंगे। हमको निकालना है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमने पढ़ा था क्या होता है, दो तरह से प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालते हैं, या तो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इस इवेंट का निकाल ले एक तरीका होता है, एक होता है लॉन्गेस्ट पाथ जिसमें आसानी हो हम दोनों तरीके से निकाल लेंगे। लॉन्गेस्ट पाथ निकालना हो तो बहुत आसान है, 6 4 10 5 15 3 18, 2 7 9 और 5 14 3 17 और 5 6 11, तो ये वाला पाथ हमारा सबसे लॉन्गेस्ट हो गया, 6 4 10 15 3 18 ये सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है। तो ये क्रिटिकल पाथ जाता है, बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। जो भी पाथ बन रहे हैं स्टार्ट एंड इवेंट से लेके एंड इवेंट तक जितने भी पाथ है जितने रास्ते बन रहे जाने के उनका टाइम आप
ऐड कर देंगे, और जो ज्यादा है लॉन्गेस्ट जो पाथ होता है, सबसे बड़ा पाथ होता है, उसको हम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कहते हैं, जो कि मिनिमम पॉसिबल टाइम होता है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। तो ये इसमें हमारा क्रिटिकल पाथ निकल गया, ये आपका आ गया 18। इसको हम उससे भी निकाल सकते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ईएसटी से भी हम इसको निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं। इसका आपका ईएसटी क्या है, 0, इसका 6, इसका 4, लेकिन इसमें अब 2 आ रहे हैं, तो यहां पे कितना हुआ, इसका 2, इसका 5, क्योंकि एक एरर आ रहा है, लेकिन इसमें 2 एरर आ रहे हैं, तो ये 6 और 4 10, और ये 7 और 2 9, तो ये ज्यादा वाले लेंगे हम इसको, तो ये 10, या एक ये तो 10 और 5 15, ये 5 और 6 11, यहां पे भी 2 एरर आ रहे हैं, तो 5 और 11, और यहां 15 3 18, तो ज्यादा वाला होगा जो लेंगे, तो ये 18 आ गया। इस तरह से दोनों तरीके से आप क्रिटिकल पाथ निकाल सकते हो। अब इसमें प्रॉब्लम में हमको दिया हुआ है, सॉल्व द पार्ट, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तो आपका आ गया 18 डेज, दिस इज नॉट एग्जैक्ट ड्यूरेशन, ये ध्यान रखना। पार्ट में उसमें डिफरेंस जो क्लियरली जो है वो ये है कि पार्ट में हमारा ड्यूरेशन ये एग्जैक्ट होता है, कि उसमें एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन होता है वो एग्जैक्ट ड्यूरेशन होता है, उसमें एक्टिविटी पूरी, क्योंकि वो पार्ट के अंदर हम रिपीटेटिव जॉब्स के लिए करते हैं, तो वहां पे एक्टिविटी का जो टाइम है उसमें वो एक्टिविटी कंप्लीट हो ही जाती है। तो यहां तो सीपीएम के अंदर हम हमारे पास एक्टिविटी का ड्यूरेशन फिक्स रहता है, तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 18 पार्ट के अंदर, क्योंकि ये मीन टाइम है सारे सारे, तो ये मीन ड्यूरेशन आता है। इससे पहले प्रोजेक्ट हो सकता है पूरा, और इसके बाद भी हो सकता है, लेकिन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकलेगा यही। इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कितने परसेंट चांस है इसमें होने का। अब निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो टीपी माइनस टी जीरो अपॉन 6। तो क्रिटिकल डेविएशन का हमको निकालना है, क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो इसके लिए हम क्रिटिकल पाथ के लिए 1 3 1 3 में टीपी माइनस टी यू, टीपी 1 3 के अंदर 7 माइनस 5 2/6, तो 1/3, ऐसे ही आप निकालो फिर 3 से 5, 3 से 5 के लिए टीपी 6 माइनस 2 4/6 यानी कि 2/3, 5 से 6 के लिए, 5 से 6 के लिए निकालोगे आप 1/3, और 6 से 7 1/3, तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। क्रिटिकल पाथ कौन सा हमारा, 1 3 5 6 7, तो क्रिटिकल पाथ के लिए सीपी स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर क्रिटिकल पाथ, तो सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर, कितनी एक्टिविटी है अपने पास में, 1 2 3 4 सिग्मा 4 का 1 स्क्वायर, तो ये अपने 1 2 3 3 तो एक्टिविटी है बनवाई 3, तो स्क्वायर इंटू 3 प्लस 2y 3 का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे 0.88। इस तरह से आपको सॉल्व करना है कोई भी पार्ट की प्रॉब्लम आती है। और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 18 दिन का। अब पार्ट के अंदर जैसा कि सीपीएम में जितना ड्यूरेशन हम निकालते हैं उतने दिन में प्रोजेक्ट पूरा होता है, क्योंकि उसमें एक्टिविटी का टाइम जो होता है सीपीएम के अंदर वो एग्जैक्ट ड्यूरेशन होता है किसी भी एक्टिविटी को पूरा करने का, जबकि पार्ट में ये मेन टाइम होता है। तो ये जो 18 दिन का जो हमारा टाइम आया ये मेन टाइम है, और ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन वाला जो कर्व है वो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। ये आपके एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि पार्ट के अंदर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कर्व
कॉन्सेप्ट उस कर्व को फॉलो करता है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इस तरह का होता है, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ये 50-50 का। यदि आपका म्यू बराबर मान लो आप रखते हो 18 दिन की हम निकालते हैं प्रॉब्लम, 18 तो ये आ जाएगा जेड बराबर क्या आ जाएगा, जीरो, जेड बराबर जीरो। तो प्रोजेक्ट के आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कंप्लीट होने की, 18 दिन में प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50%। इस तरह से हम कितने ही दिन का निकाल सकते हैं, 19 दिन, 20 दिन, 16 दिन, 17 दिन में। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला काम लेंगे, जेड की वैल्यू हमको निकालनी होगी, जेड बराबर एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर क्रिटिकल पाथ सीपी। तो एक्स आपको मान लो 18 दिन निकालना है, तो 18 का तो 50% प्रोबेबिलिटी हो जाती है, 19 का निकालना, 20 का, 18 का, 17 का, 16 का, यानी रटेंगे म्यू की वैल्यू आपकी होगी 18 और सीपी की 0.88। तो ये डाल के हम कितने दिनों के लिए निकाल सकते हैं कि इसकी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब मान लो जेड की वैल्यू आपकी 1 आती है, सपोज जेड की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1 है, तो माइनस 1 से लेके और 1 तक का जो एरिया होता है ये होता है 68.3%। जितनी प्रोबेबिलिटी होती है वो जितना भी कर्व होता है, जैसे यहां तक आया आपका जेड बराबर जीरो, जीरो पे कितना कर्व है, एरिया कर्व का कितना है 50% है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 50%। यदि आपकी जेड की वैल्यू आती है 1, तो ये जो एरिया है माइनस 1 से लेके और 1 तक का इतना कितना है 68.3%। तो ये तो कितना एरिया हो गया 50%, यहां से यहां तक का माइनस एट से लेके और ये आपका जीरो तक तो कितना हो गया 50% एरिया हो गया, और ये कितना हुआ 34.15। तो ये 84 इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि ये पूरा की पूरा एरिया प्रोबेबिलिटी का होगा, तो ये कितनी हो जाएगी 84.15%। तो आपके यदि आपकी जेड की वैल्यू यदि आती 1, तो प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 84.15%। यदि आपकी वैल्यू आती 2, तो 2 से माइनस 2 से 2 तक का जो एरिया होता है वो होता है 95.5%। तो 2 आएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, वो 50, तो इसका एरिया हो गया यहां तक का प्लस 95.5/2, ये कितना परसेंट हो जाएगा आपका 42, 43, 45, 46, 47, 47.25। तो 50 प्लस 47.25 97.25%। यदि आपकी जेड की वैल्यू 2 आती है तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन की प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट होगी 97.25%। तो इस तरह से हम जो है पर्ट के अंदर प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। यदि कम आती है, मान लो आपकी कम आई माइनस वन ही आपकी आती है, तो ये आपका कितना एरिया है 50 है, 50 माइनस 34.15 हो जाएगा। तो ऐसे हम घटा के बढ़ा के जितनी भी आती है कर सकते हैं। यदि माइनस वन ही आ रही है आपकी जेड की वैल्यू, तो प्रोबेबिलिटी कितनी रह जाएगी, ये इसका एरिया कितना है 50 है, इसका कितना है 34.15, तो 50 माइनस 34.15 हो जाएगा, तो 14.85 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो पार्ट के अंदर हम इस तरह से प्रोजेक्ट का कंप्लीशन क्या चांसेज है वो निकाल लेते हैं, इसको हम पार्ट प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ओके, थैंक यू।